राजस्थान में कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल के 3 बजट जारी कर चुकी है। बजट में प्रदेश के युवाओं को उच्च शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार कई योजनाएं लेकर आई है। सरकार इन योजनाओं और प्रदेश में होने वाले उपचुनावों को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी से खास बातचीत की संवाददाता लोकेश ओला ने। में लगातार सरकार के 2 साल के कार्यकाल में कई नवाचार किए गए, 3रा बजट पेश किया गया। इस दौरान अब तक 3 साल जो 3 बजट किए गए, अब तक 115 कॉलेज राजस्थान में स्थापित किए गए हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर आज हमारे साथ चर्चा के लिए उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी मौजूद है। भाटी जी, किस तरह के जो नए नवाचार है उच्च शिक्षा विभाग में किए गए, 115 कॉलेज खोले गए जिसमें 82 कॉलेज अभी संचालित हो चुके हैं, भवन निर्माण का काम भी कई कॉलेजों में शुरू हो चुका है। देखिए, आज से करीब 2 साल पहले राजस्थान में हमारे जननायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद में मुख्यमंत्री महोदय का स्पष्ट निर्देश था कि मेरा ये विजन है कि राजस्थान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े और हायर एजुकेशन का जो सिस्टम है वो गांव और ढाणी तक पहुंचे। उसी सोच को साकार करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पिछले 3 बजट, अभी 3रा बजट पेश किया है, और तीनों ही बार उच्च शिक्षा का विशेष ध्यान रखा गया। इसमें लगातार 19, 20 और 21 तीनों बजट में यदि मिलाएं तो करीब 115 और एक डीडवाना को जोड़ें तो 116 नए राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई, और उसमें से 88 राजकीय महाविद्यालय जो है प्रारंभ कर दिए गए हैं पिछले सत्र तक। तो मेरा कहने का मतलब ये रहेगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का जो विजन है कि ग्रामीण शिक्षा को और बालिका शिक्षा को हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन 5 सालों में बढ़ावा देना है, और उसी सोच के अनुसार ये सारे के सारे कॉलेज अधिकांश उपखंड मुख्यालयों पर, तहसील मुख्यालय पर, और यहाँ तक कि ग्राम पंचायत स्तर पर भी ये कॉलेज खोले गए। मंत्री जी, बात करें तो सरकारी कॉलेजों में जो SFS कोर्स शुरू चल रहे थे, ऐसे में कुछ SFS कोर्सेज को रेगुलर कर दिया गया है, तो उसमें किस तरह का जो लाभ है वो स्टूडेंट्स को मिल पाएगा? देखिए, राजस्थान में पिछले बजट में करीब 15 से ज़्यादा कॉलेजेस को हमने कर्मोन्नत किया है UG से PG में, और नए विषय खोले हैं, नए संकाय भी हमने खोले हैं, और SFS कोर्सेज जो जहाँ जिन कॉलेजेज में चल रहे थे या जहाँ चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ SFS कोर्स में फीस ज़्यादा होती है तो गरीब बच्चों को उसमें पढ़ने में दिक्कत आती है, तो धीरे धीरे हम क्रमबद्ध रूप से SFS कोर्सेज को गवर्नमेंट कोर्स के रूप में शामिल करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। कुछ हमने किए हैं, कुछ इस साल में हम फाइनेंस विभाग को हमने भेजा है कि इन तमाम कोर्सेज को सरकारी घोषित किया जाए जिससे न्यूनतम फीस पर बच्चे उस कोर्स का लाभ मिल सके, ले सके। मंत्री जी, बात करें तो जिस तरह से कॉलेज खोले गए, ऐसे में टीचर्स की काफ़ी पहले भी कमी थी, नई भर्ती निकाली गई है कॉलेज लेक्चरर की, लगातार देखने को मिल रहा है जो अभ्यर्थी है, जो परीक्षार्थी है, उनका कईयों का कहना है कि एग्ज़ाम को आगे बढ़ाया जाए, कईयों का कहना है कि एग्ज़ाम तय तिथि पर हो, किस तरह का निर्णय है वो अभी उच्च शिक्षा विभाग की ओर से लिया गया है? देखिए, RPSC को हमने 918 पदों को भरने के लिए अभ्यर्थना काफ़ी समय पहले भेजी थी, और अब RPSC ने 918 कॉलेज लेक्चरर्स की भर्ती का एक टाइमिंग, एग्जाम्स का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। अप्रैल में वो परीक्षाएं होंगी, तो हमारा ये पूरा प्रयास है कि ये भर्ती समय पर हो जाए, और उसके बाद हम और भर्ती निकालेंगे, क्योंकि कम से कम 2000 पद फिर भी खाली रहेंगे, तो उन पदों को भरने के लिए भी क्रमबद्ध रूप से, चरणबद्ध रूप से हम भर्तियाँ निकालेंगे। एक रेस योजना है, उसमें हमारे जिन कॉलेज, जिस जिले में ग्रामीण कॉलेज में टीचर्स नहीं है लेकिन शहर मुख्यालय पर वहाँ अगर ज़्यादा टीचर हैं तो उनको कुछ समय के लिए जहाँ शिक्षक नहीं है वहाँ पर लगा करके, और एक रिसोर्सेज का जो आदान प्रदान होता है उस प्रकार से हमने टीचर्स को वहाँ लगा करके कुछ समय के लिए, और विद्यार्थियों का सिलेबस हमने पूरा करवाया है। चौथा मैं कहना चाहूँगा कि इस बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने रिक्त पदों की समस्या को ध्यान में रखते हुए विद्या सम्मलन योजना की घोषणा इस बजट में की है,
और विद्या सम्मेलन योजना में मुख्यमंत्री महोदय ने बजट भी का भी पर्याप्त प्रावधान किया है। कॉलेजों में जो प्राइवेट कॉलेज है उनमें भी नेट क्वालिफाई या सेट क्वालिफाई टीचर होने चाहिए। सेट के एग्जाम तकरीबन 7-8 साल हो गए तो होना चाहिए समय पर, ताकि क्वालिफाई टीचर उनके पास भी पहुंच सके। देखिए, हमने आरपीएससी को सेट की परीक्षा के आयोजन के लिए जो विद्यार्थियों की मांग आई थी तो उसको हमने भेजा भी था, दोबारा रिमाइंडर भी हमने लिखा है। तो मैं समझता हूँ ये इस परीक्षाओं का आयोजन भी पहले भी आरपीएससी के द्वारा ही किया गया है, तो सरकार के द्वारा लिखा गया है लेकिन आरपीएससी के द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे लिए कॉलेजेस में रिक्त पद भरना भी जरूरी है। एक तरफ जो विद्यार्थी तैयारियों में लगे हुए हैं, लाखों विद्यार्थी, उनकी तरफ से भी ये आ रहा है कि ये परीक्षाएं समय पर हो, तो आरपीएससी को निर्णय करना है कि किस प्रकार से ये परीक्षाएं आयोजित। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, जयपुर से। कैमरामैन विजय गिरी के साथ मैं लोकेश ओला, A1 TV।